ओम नमः शिवाय। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष शुक्रवार द्वितीया तिथि शाम 8:10 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा भरणी नक्षत्र में सुबह 9 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, तेजस्वी, प्रसिद्धि पाने वाले, विद्वान और उच्च अधिकारी युक्त मानसिकता वाले होते हैं। ऐसे जातक यात्रा प्रिय, कुछ मामलों में कठोर वाणी बोलने वाले, शारीरिक रूप से मजबूत, प्रगति की हमेशा ही आशा रखने वाले, नेतृत्व तथा अधिकार प्रिय व्यक्तित्व वाले, तर्क करने में निपुण, विवाह इत्यादि में रुचि रखने वाले, कानून का पालन करने वाले और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा मंगल और सूर्य की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज दोपहर 2:55 तक मेष राशि में ही चलते रहेंगे। तत्पश्चात वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज के दिन प्रत्येक जातकों पर दोपहर तक मेष राशि का प्रभाव, तत्पश्चात वृष राशि का प्रभाव पड़ता रहेगा, मगर नक्षत्र पूरे दिन सूर्य का ही कायम रहेगा, जिससे वाणी की तेजस्विता और प्रभावशाली व्यक्तित्व परिलक्षित होगा। सरकारी कामकाज पूरे होंगे, उच्च अधिकारियों का सहयोग पूरे दिन कायम रहेगा, मगर कभी कभार कार्य क्षेत्र में उतावलापन और क्रोध की भावना भी विकसित होती रहेगी, मगर दोपहर बाद महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का विकास होगा और कार्य क्षेत्र में प्रगति के अवसर मिलते जाएंगे। विभागीय अधिकारियों के सहयोग में वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ के मार्ग सुगम होंगे। मेष राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास और कार्य क्षमता बढ़ी रहेगी। रचनात्मक क्रियाशीलता और वाणी की तेजस्विता में वृद्धि होगी। धन लाभ प्रचुर मात्रा में संभावित है। नई कार्ययोजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और विशेष उपलब्धि हासिल करेंगे। निजी निवेश की योजनाओं में रुकावट हो सकती है, मगर साझेदारी लाभदायक रहेगी और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृष राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में रुकावट, अनावश्यक खर्च और अनचाही यात्रा की संभावना बनती है, मगर अत्यधिक क्रियाशीलता, रचनात्मक प्रवृत्ति और प्रतियोगी भावना से आपके हर कार्य संपन्न होंगे। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, मगर कुछ योजनाओं के प्रस्ताव लागू होने में विलंब की संभावना भी बनती है। साझेदारी के कामों में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति चिंता संभावित है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए निजी व संतान संबंधी मामलों में निवेश की संभावना बनती है। कार्य क्षेत्र में रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी और साझेदारी के कामों में लाभ संभव है। नए प्रस्तावों के लिए समय अनुकूल है। शासन सत्ता व अधिकारियों की प्रेरणा मिलती रहेगी। पारिवारिक तालमेल बना रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक प्रस्तावों में सफलता मिलेगी, मगर अनावश्यक खर्च, अनचाही यात्रा और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार का संकेत भी मिलता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक, सामाजिक और कार्य क्षेत्र से बल मिलेगा और मन मुताबिक सफलता मिलती जाएगी। माता से भी आर्थिक सहयोग संभव है। प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे। नई कार्ययोजनाओं के लाभदायक प्रस्ताव सामने आएंगे और आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करने की मानसिकता बनी रहेगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में आर्थिक निवेश संभव है। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक तालमेल में कमी और संतान संबंधी चिंता हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन रुके हुए कामों को संपन्न कराने में सहयोग करेगा। कार्य क्षेत्र के प्रयासों में सरकारी सहयोग जारी रहेगा और उत्थान की मानसिकता बनी रहेगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और धैर्य से पूरे दिन की गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। एक साथ कई काम करने पड़ सकते हैं, मगर आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। कुछ कामों में विवाद या विरोध की संभावना भी बनती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता की उम्मीद बनती है और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे।
कन्या राशि के जातकों को आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में मदद मिलेगी और भाग्यवश काम अच्छे होंगे। निजी संबंधों में निकटता आएगी और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। मौसम संबंधी संवेदनशीलता और अनचाही यात्रा का संकेत मिलता है, मगर साझेदारी के काम लाभदायक सिद्ध होंगे। नई कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा, अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। वैवाहिक मामले आज के लिए अनुकूल रहेंगे। धार्मिक भावना में वृद्धि होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। तुला राशि वाले जातकों के दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में विकास होगा और नई कार्य योजनाएं सफल होंगी। साझेदारी लाभदायक रहेगी और नए निवेश का योग बनता है। संबंधित मामलों में छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में सुधार होगा। आर्थिक लाभ के साथ साथ अनावश्यक यात्रा का योग बनता है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। निजी संबंधों में निकटता आएगी। विद्यार्थियों के प्रयास सार्थक होंगे। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिल सकती है और वाहन सावधानी से चलाएं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा और अधिकारियों का सहयोग बरकरार रहेगा। नई कार्य योजनाओं में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और लाभदायक प्रस्ताव सार्थक होंगे। आर्थिक मामलों में आज का दिन सामान्य रहेगा। हालांकि आपका उत्साह और दृढ़ इच्छा शक्ति व्यावसायिक लाभ बढ़ाने वाला होगा, मगर काम करने में असंतुष्टि भी महसूस होगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का समय अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और मन में नकारात्मक विचारों को न लाएं। धनु राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। व्यर्थ के प्रयास, व्यावसायिक अवरोध और विचारों में मतभेद का संकेत मिलता है। हालांकि सकारात्मक प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति बरकरार रहेगी और कार्य क्षेत्र में मन लगेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, मगर वाद विवाद और उलझाव की स्थितियों से बचना चाहिए। चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देगी। परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य बिठाकर आज के दिन चलना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें। मकर राशि के जातकों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। कुटुंबियों से कुछ परेशानी और मानसिक दबाव संभावित है, मगर नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होगा और कुछ मामलों में उत्साह, कार्य ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बुद्धि कौशल और दृढ़ विश्वास की स्थिति बनी रहेगी और कार्य क्षेत्र में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। नई कार्य योजनाओं में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और प्रयास सार्थक होंगे, मगर मौसम की जटिलताओं से सावधानी अपेक्षित है। कुंभ राशि के जातकों के लिए निजी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और आवश्यक संसाधनों में निवेश का योग बनता है। कार्य क्षेत्र में चल रही जिम्मेदारी का निर्वहन होता रहेगा और मानसिक संतुष्टि बनी रहेगी। हालांकि नई कार्य योजनाओं में अधिकारियों का सहयोग कायम रहेगा। धन संबंधी मामलों में आज का दिन सामान्य होगा। समयानुसार लाभदायक प्रस्ताव आते रहेंगे। साझेदारी सफल रहेगी, मगर सारे व्यावसायिक कार्यों में सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ी रहेगी और रचनात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा। कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी और आर्थिक लाभ में सहयोग मिलेगा। बौद्धिक सक्रियता, निजी संपत्ति में वृद्धि, रुकते हुए कामों और धन संबंधी मामलों में उपलब्धि का संकेत मिलता है, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर भी ध्यान रखना चाहिए। संतान संबंधी चिंता में कमी आएगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्साहजनक रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।